हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कश्मीर फूड क्रेविंग्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन चौमिन की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए 1 पैकेट नूडल्स, 1 टीस्पून शेज़वान चटनी, 1 टीस्पून टमाटो केचप, 2 टीस्पून रेड चिली सॉस, 3 टीस्पून सोया सॉस, 3 टीस्पून वेनेगर, 150 ग्राम चिकन, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 9 टीस्पून ऑयल, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्लीज एंड मिक्स्ड वेजीज, कैबेज, अनियन, कैप्सिकम एंड कैरेट। चलो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में चिकन ऐड करेंगे 150 ग्राम। इसको मैंने लंबे पीसेस में कट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून वेनेगर और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब डार्क सोया सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। तब तक हम एक बर्तन में पानी ऐड करेंगे 5 to 6 ग्लासेस। साथ ही में ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक और 2 टीस्पून के करीब ऑयल, ताकि नूडल्स चिपके ना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर लेंगे और इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसमें पकाएंगे। इसको बीच में थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये इक्वली पक जाए। अब हम नूडल्स को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं, अगर नूडल्स खींचने पे ऐसे टूट जाए तो नूडल्स रेडी है। अब हम छन्नी में इसको छान लेंगे और इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिपके ना। इसको साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन में 6 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। अब हम जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस शैलो फ्राई करना है। आप देख सकते हैं चिकन रेडी हो गया है। अब हम इसको अलग से प्लेट में निकाल देंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब हम सेम ऑयल में ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्लीज। इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी वेजीज, कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम। इनको मैंने ज्वेलन पीसेस में कट कर लिया, आप देख सकते हैं लंबे लंबे पीसेस में। इसको हमें हाई फ्लेम पे पकाना है। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद हमें इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए चिकन। इसको भी हल्का सा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स और कुछ मसाले, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। साथ ही में ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हमने पहले भी नूडल्स में सॉल्ट डाला था। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, तीखा कम पसंद तो स्किप कीजिएगा। 2 टीस्पून के करीब वेनेगर और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब सोया सॉस। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस, अगर तीखा कम पसंद है उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून शेज़वान चटनी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको 1 चम्मच से डिफ़िकल्टी हो रही है मिक्स करने में, तो आपको 2 चम्मच का इस्तेमाल करके इसको मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बिल्कुल हाई फ्लेम पे। यहाँ पे इसकी कुकिंग स्टॉप हो जाती है। बस इस सारे सॉसेस को नूडल्स के साथ मिक्स कर लेना है। और लीजिए, तैयार हो गया हमारे चिकन चाउमिन की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।